सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कसल नामी एक ताजिर है। जी हाँ, वो हमारे मददगार हैं। गद्दार है सुल्तान मौसम। महमूद पाशा फरार हो गए क्या? अभी नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सब एक घंटे में फ्रांसीसी सिफारत खाने पहुँच जाएं। स्टेफानो, स्टेफानो, तुम लोगों ने मार दिया इनको, मार दिया, कातिल हो तुम। मुझे यहाँ पर आपको शिकस्त देने के लिए ही भेजा गया था, वो भी बर्तानिया के बादशाह की तरफ से। इसहाक गद्दार है उस्मान। सुल्तान मौसम, क्या कसल को हम अपने साथ रखेंगे? वो गद्दार है, उसने खुद एतराफ किया है। बिल्कुल पाशा, हम उसे अपने साथ रखेंगे। मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन क्यों? नजर आने वाले दुश्मन को हम नजर ना आने वाले दुश्मन पर तरजीह देंगे, बस यही वजह है पाशा। अब उनकी साजिश हमसे पोशीदा नहीं बल्कि हमारे सामने होगी, और हम जान लेंगे कि उनसे कैसे निमटना है। अब तक हमारा जिन दुश्मनों से सामना हुआ है वो नकाब में छुपे हुए थे, हमने उनको जानने में अपना वक्त जाया किया। बिल्कुल पाशा, अब हम अपना वक्त यूं दुश्मन को पहचानने में जाया नहीं करेंगे। अब हम मैदान जंग में आमने सामने मुकाबला करेंगे, उस वक्त तक जब तक दुश्मन खत्म ना हो जाए। सुल्तान मौसम, कसल ने पाया तक में बहुत सरमायाकारी की हुई है, इसीलिए हम उन्हें मुल्क बद्र नहीं कर सकते। क्या उन्हें मजीद सरमायाकारी के मौके देंगे? हम अपने दुश्मन को मौके देते हुए भी रियासत के बारे में सोचते हैं। दरअसल कसल साहब की सरमायाकारी हमारी कौम और रियासत के काम आएगी। कसल साहब अगर जाना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है पाशा, यूं उनकी सरमायाकारी डूब जाएगी। आप ठीक तो हैं जनाब कसल? ठीक हूं मैं। जैसे आप बचपन में कोई शरारत करके भाग जाते हैं और उसी वक्त आपको आपके बाबा पकड़ लें और वो आपको डांट डपट करके छोड़ दें। मेरे साथ भी वही हुआ है। मालूम है, मुझे भी डांट डपट करके छोड़ दिया गया है। मैं कुछ भी नहीं समझा। जनाब कारसू, अब्दुल हमीद मुझे जानता है, उसे मालूम हो गया है कि मैं दुश्मन हूं उसका। विक्टर, जी कहिए जनाब।
फौरन एक तहकीकी दस्तावेज तैयार करो जिसमें उन इलाकों की निशानदेही करना जहां उस्मानियों को माली मुश्किलात हैं। हम वहां सरमायाकारी करके रोजगार के मौके पैदा करेंगे। जल्दी करो ये। जो हुक्म जनाब। आखिर क्या हुआ है जनाब कसल? सुल्तान अब्दुल हमीद को इल्म हो गया है कि मैं जनाब हैकलर की जगह तैनात हुआ हूँ। उसने मुझे कहा है कि वो मुझे मुल्क बदर नहीं करेगा। उसने मुझे कहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सरमाया कारी करूं ताकि वो मुझे मुल्क बदर ना कर सके। मैं समझ गया, वो ना दिखाई देने वाले दुश्मन पे दिखाई देने वाले दुश्मन को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन वो अभी भी ये समझता है कि वो मुझसे इस जंग में जीत जाएगा। जनाब कसल, अब्दुल हमीद आपके साथ खेल खेल रहा है और वो ये सब तजर्बे की वजह से कर रहा है क्योंकि उसने देखा है कि वो आज तक जीतता ही आ रहा है। उसे खेलने दो, खेलने दो उसे। अभी आप जा सकते हैं जनाब कारासो। जाते हुए विक्टर को कहें कि एक मुलाकात का इंतजाम करें। उस मुलाकात में आपको हर चीज के बारे में इल्म हो जाएगा। हमने आपको अहम मामले पर बात करने के लिए बुलाया है। हमें धमकी आमेज टेलीग्राम मौसूल हुआ है जिसमें हमें महमूद पाशा को रिहा करने के लिए कहा गया है। उस्मानी अफसर रियासत से हमेशा वफादार रहे हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी शायद वो किसी उलझन का शिकार हैं। ये सिर्फ बेईमानी धमकी लगती है। फिर भी हमें तहकीक करनी चाहिए पाशा। आप दोनों इसकी तहकीकात करेंगे। कमांडर से बात करें, उनसे पूछें, इसके पीछे की सच्चाई मालूम कीजिए, वो भी किसी की नजरों में आए बगैर। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात हुई है। अब सुल्तान अब्दुल हमीद ये जानते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं। वो जानते हैं और आप यहां मौजूद हैं? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझसे लड़ना चाहते हैं और मैं भी इसमें राजी हूँ। जनाब कसर, अब आप अब्दुल हमीद के सामने बेनकाब हो चुके हैं। इज्जत पाशा और अहमद पाशा से अब आपका यूं मिलना खतरनाक हो सकता है। मैं बेनकाब हुआ हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात की ये जगह अब भी महफूज है और हम सब अगर पूरी तरह होशियार रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मिहाइल और महमूद पाशा, हम अपने मेसन भाइयों को सुल्तान अब्दुल हमीद से कब बचाएंगे? पहले हमें हकीकत से आगाह होना होगा। चूंकि जनाब कारासू और आप भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भाइयों ने आप लोगों के नाम नहीं बताए और आप अभी तक बेनकाब नहीं हुए हैं, इसलिए आप मजीद यहाँ रह सकते हैं, लेकिन बहुत मोहतात रहिएगा। इसाद पाशा, आप महल जाइए, मुझे घर पे कुछ काम है। ठीक है पाशा। कौन हो तुम? आलिया बेटी की तबीयत अब कैसी है? तबीबा का कहना है कि उन्हें शदीद ज़हनी धचका लगा है। इस्तेफानो की मौत ने आलिया को
तबाह कर दिया है सुल्ताने मौजम, वो बहुत अफसरदा है। क्या वो इस काबिल था कि उस पर अफसोस किया जाए? बहादुरी से लड़ने के बजाय उसने हमारी बेटियों के जहन आलूदा किए और उनके जरिए हमें तबाह करने की कोशिश की। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की थी सुल्ताने मौजम, लेकिन आलिया सुल्तान इसके मुतालिक कोई बात भी सुनना नहीं चाहती। आलिया को उस आदमी से मोहब्बत थी सुल्ताने मौजम, वो हमें उसकी मौत का जिम्मेदार समझती है। अगर वो चाहते तो पहले ही उसके ठिकाने पर हमला कर देते। तौफीक पाशा ने महज उसे गिरफ्तार करने के लिए हमला किया था। हम भी तफ्तीश से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उसके साथी कौन है हम अब भी मुतजस्सिस हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आलिया सुल्ताना बिल्कुल महफूज है। हम नायमे के शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने मदद की। उनकी हिकमत अमली कारगर साबित हुई और आलिया सुल्तान हमें देखने अस्पताल चली आई। क्या मंसूबा बंदी नायमे ने की थी? जी सुल्ताने मौजम, उन्होंने हमारा काम बहुत आसान किया। सुल्ताने मौजम, अगर नायमे मंसूबा ना बनाती तो हमें इल्म ही ना होता कि आलिया अब कहां पर है, और शायद वो पाया है तख्त से भी जा चुकी होती। ठीक है, ठीक है। यहां का काम अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? बस खत्म होने वाला है इन साल खात्मा। कितने घंटों से यहाँ काम कर रही हो तुम सब, ये कैसे सुस्ती है? चलो और तेज हाथ चलाओ, जल्दी। खादिमा, आहिस्ता बात करेंगी, ये क्या शोर शराबा मचा रखा है? माफी चाहती हूँ शहजादी। कहीं आपने खुद को सुल्ताना तो नहीं समझ लिया है? मेरी क्या मजाल शहजादी, हरम की जिम्मेदारी सालिया सुल्तान की है, आपकी नहीं, अपनी हद में रहे। आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं भी अपनी सुल्ताना के हुक्म के मुताबिक काम कर रही हूँ। वैसे नाइमे सुल्तान, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? चंद ही दिनों में आप यहाँ से अपनी वालिदा के पास चली जाएंगी, क्या मैं सामान बांधने में मदद करूँ आपकी? हमें आपकी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। खुश आमदीद। बाबा की जान, मेरे शेर, क्या सैर के लिए कहीं बाहर चलें? क्या मतलब है इसका? हालात ठीक नहीं है लीना, मेरे दुश्मन मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी भी वक्त मुझ पर हमला आवर हो सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे अपने महफूज रहें। यहां ये बिल्कुल महफूज है, मैं हूं यहां, कुछ भी हो जाए मैं इसकी हिफाजत करूंगी। मैं यहां बहस करने नहीं आया लीना, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं अली उस्मान और महापारे को एक महफूज मकाम पर ले जाऊंगा। अली उस्मान को मुझसे दूर करने के लिए ये सिर्फ आपकी एक चाल है, मैं समझ सकती हूँ। मतलब आपको ये लगता है कि अपने बेटे को आपसे लेने के लिए मुझे किसी चाल की जरूरत है लीना? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास अदालती हुक्मनामा है, आप इसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। ये हुक्मनामा आपकी रियासत की तरफ से है, क्योंकि आपके बेटे की जान को आपके साथ रहने में खतरा है। बाप अपनी औलाद की हर जिम्मेदारी के लिए वजाहत देने का पाबंद है। अगर रियासत इसके बाबा के पास आकर पूछती है तो मैं जरूर इसकी वजाहत दूंगा, आप फिक्र ना करें। हम अभी भी इसी सूरत हाल में हैं। खतरा आपके तरफ मंडला रहा है और आप जानते बूझते अपने बेटे को खतरे में डालना चाहते हैं। आपके दुश्मन कैसे जान सकते हैं कि ये यहाँ पर है? मेरे दुश्मन पहले ही ये बात जानते हैं, क्योंकि दुश्मन की हर जगह नजर होती है। आप इसे कब वापस लाएंगे? जब खतरा टल जाएगा। वादा करें। अशरफ अजीज का वादा है। यहां हर एक को जमा करो, जो भी हमारे मददगार हैं सबको कहो कि जल्दी यहां जमा हो जाएं। हमला किस पर करना है जनाब? अशरफ अजीज पर, उसके बाद इस्तांबुल पर। हम इस्तांबुल की सड़कों को खून से रंग देंगे। अशरफ अजीज और उसके दोस्तों का ताकुब करो, हर तरफ तलाश करो और इत्तला दो मुझे। और जनाब, हमारे मरे हुए भाई
मैं मुर्दा अफराद के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब तक उनकी लाशें जंगली जानवर खा चुके होंगे। अब जाओ, जल्दी जाओ। शुक्र है यार, तेरा लाख लाख शुक्र है यार। दरवाजा खोलें। खाना दें इन्हें। आफियत हो, खाना खाइए, खाइए खाना। हम जिस महमूद पाशा को जानते हैं वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। आप महमूद पाशा नहीं हैं। बरसों किसी और चेहरे में छुपकर हमारे खिलाफ खेलते रहे बगैर हार माने। आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं थके। आपने अपनी रियासत के साथ इतना बुरा क्यों किया? तो आप खामोश रहेंगे। दो चीजें जान लें जो कि दिमाग के लिए काफी नुकसानदेह हैं। पहली, जब बात करने की जरूरत हो तो खामोश रहना, और दूसरी, जब खामोश रहना हो तब बात करना। चाहे आप जबान से कुछ ना बोलें, आपकी हालत सब कुछ आया कर देगी। महमूद जलालुद्दीन, आपको फौजी दस्ते के सामने सजाए मौत दी जाएगी। दरवाजा बंद कर दें। दरवाजा खोलिए। अहमद जलालुद्दीन पाशा, खुशामदीद। आप कौन हैं? हम वो हैं जो जानते हैं कि आप कौन हैं, और ये भी कि आप किस राह पर गामजन हैं। आप अहमद रजा साहब के साथ रास्ते में हैं, और हम जानते हैं कि आप हिज़्बे इख्तिलाफ का हिस्सा हैं। क्या आप लोग बस मेरे बारे में इतना ही जानते हैं? हम ये भी जानते हैं पाशा कि अहमद रजा साहब को टेलीग्राम भेजने के बाद आपने सुल्तान से मुंह मोड़ लिया। पहले मनियास रफीक साहब और फिर महमद तलत के साथ भी काम किया आपने, और महल में मौजूद मुखालिफ पाशा के साथ भी।
लेकिन आप कुछ अरसे बाद अपने मकसद से डगमगा गए। आप कसल के साथ उस मेज पर तो बैठे, मगर आप वो सब कुछ नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। अब आप ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हम आपके बारे में काफी कुछ जानते हैं। अब ये बताएं कि आपने सुल्ताने मौसम से मुंह क्यों मोड़ लिया, बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरे बारे में तमाम तर मालूमात है आपके पास, तो फिर मेरी जरूरतमंदी के बारे में भी जानते होंगे। जानते हैं बादशाह, अपनी बात जारी रखें। मैं इन सब बातों से इनकार नहीं करूंगा। मैं एक तवील अरसे से अब्दुल हमीद खान के साथ हूं, उनका करीबी दोस्त था मैं, लेकिन उन्होंने इस दोस्ती को कोई अहमियत न दी। पहले मुझ पर मैसन पाशा होने का इल्जाम लगाया, यह इल्जाम मेरी जात पर लगाया गया इसलिए मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन जब बात रियासत की हो, रियासत को कोई नुकसान पहुंचाया जाए तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे यकीन होता कि सुल्तान इस रियासत को एहसन तरीके से चला रहे हैं, तो मैं किसी मनसब के बगैर भी हर हाल में उनका साथ देता, हमेशा। शहजादी, आपकी दवा तैयार है। तबीबा ने कहा था आपको दवा वक्त पर खानी होगी। इस डब्बे में हर वो दवा और मरहम है जिससे आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। आप जाएं, हम खा लेंगे। ये क्या है? आलिया सुल्तान, मैं स्टेफानो का रिश्तेदार रॉबर्टो हूँ। मैं स्टेफानो के कातिल अब्दुल हमीद से इंतकाम लेना चाहता हूँ। अगर आप भी स्टेफानो से मोहब्बत करती हैं जैसी मोहब्बत वो आपसे करता था, तो इस पिस्तौल से अब्दुल हमीद को गोली मार दें। आलिया सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? हमें आपकी फिक्र हो रही थी। दर्द कम हुआ क्या आपका? किसी चीज की जरूरत है तो बता दीजिए। नहीं, बस हम अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें।
बाबा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया। वो कल हम यहां से चले जाएंगे, अपने घर से, उसकी यादों से। इस शहर से जुदा होना बहुत तकलीफ देह है, लेकिन हमें जिस बात की तकलीफ है वो आपके नाराज की है बाबा जान। बाबा, हमारी बात का जवाब दीजिए, हमारी तरफ देखिए। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हम शर्मिंदा हैं। काश हम वक्त को वापस ला सकते, मगर ये मुमकिन नहीं। खुदारा खुदारा हमें माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। हम इस तरह महल से जाएंगे तो हमेशा तकलीफ में रहेंगे। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी बात सुनिए बाबा, बाबा खुदारा हमारी बात सुनिए, हमें माफ कर दीजिए। हमारी बहन बहुत अफसरदा है पाशा, बहुत तकलीफ में है। वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उन्हें इस हालत में बुरसा नहीं ले जा सकते हम, उनकी सेहतियाबी का इंतजार करना होगा हमें। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, यानी आपके ना जाने का सुनकर खुशी है कि आपके साथ मजीद वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। शायद आप पाए तख्त से कभी ना जा पाए, इस मर्तबा मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। दरअसल हम अभी रुक जाइए, सुन लीजिए। मुझे जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर मेरे लिए सबसे अहम रियासत है। इससे ज्यादा जरूरी कभी कोई मकसद नहीं रहा मेरे लिए। और अब? अब एक और मकसद है, बल्कि एक ख्वाहिश है मेरी। अब मैं अपनी आने वाली जिंदगी में खुशियां चाहता हूं, और इस खुशी का जरिया सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं आपसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूं शहजादी। अगर आप मेरी दरख्वास्त कबूल कर लें तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपकी खुशी के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे फौरन जवाब दें। आप सोच समझ कर फैसला कर लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। आइए पाशा हजरत। ऐसी कोई तैयारी नहीं जैसा उस धमकी में कहा गया है, लेकिन हमें यह खबर मौसूल हुई है कि बाज आला ओहदेदारान छुट्टी लेकर इस्तांबुल आ गए हैं। वजह? किस वजह से उन सब ने एक ही वक्त में छुट्टी ली है? किसी ने घरेलू मसाइल की वजह जाहिर की है, और किसी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली है। क्या आपको उनके नाम मालूम है? लीजिए सुल्तान मौसम। अपनी तहकीकात को जारी रखिएगा, एक एक करके इन सब के घर जाके तफ्तीश कीजिए। पहले सबसे आला ओहदेदार की तरफ जाइएगा। जो हुक्म सुल्तान-ए-मौसम। मालूम कीजिए
कितनी बड़ी जिम्मेदारी पर फाइज लोग, कहीं रास्ते से तो नहीं भटक गए? अशरफ, शुक्रिया आपने मुझे आने की इजाजत दी। अली उस्मान की ख्वाहिश थी। आप देख सकते हैं उसकी हालत अब बेहतर हो रही है, और इसलिए मैंने सोचा कि तबीब को भी यहाँ बुला लिया जाए ताकि इलाज ना रुके। हरगिज नहीं लीना, मैंने तबीब के लिबास में बहुत गद्दार दिखे हैं। बिल्कुल, मैं जानती हूँ, मेरे जानने वाले एक तबीब है, गद्दारी का कोई शुबा नहीं है। हर कोई गद्दार ही निकलता है। अशरफ, मैं जानती हूँ आपके वसवसों की वजह से अली उस्मान का इलाज अधूरा रह जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। अली उस्मान जल्द ठीक हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तबीब साहब निशानतशी होटल में ठहरे हुए हैं। तबीब और होटल का नाम इन लड़कों को बता दें, ये ले आएंगे। लेना, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं ले आऊंगा। जिस चीज की भी जरूरत हो आपको, बस आप अली उस्मान के इलाज पर ध्यान दीजिए। मैं समझ गई बहनोई। जनाब, हम कहां जा रहे हैं? तफ्तीश करने के लिए नादिर साहब। हिलाल नामी तंजीम में आप शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले हमें इस तहरीक को बलकान में मुतहरिक करना होगा। वहां आपके साथ मनियास, तलत और सबाहतीन होंगे। सबाहतीन की वहां मौजूदगी महमूद पाशा के लिए बहुत अहम है। लेकिन हिलाल तंजीम के बारे में कुछ बातें जानना आपके लिए जरूरी है। वहां की तंजीम को हमारे यहाँ के इतिहाद के बारे में कभी खबर नहीं होनी चाहिए। आपकी तंजीम में 100 के करीब लोग शामिल होंगे, और आप कभी भी किसी मेसन को इस तंजीम में शामिल होने नहीं देंगे। पाशा हजरत, हमने आज तक कभी भी मैसन के किसी भी हदफ के पूरा होने में मदद नहीं की, खास तौर पर तलत साहब ने। वो उनके साथ एक मकसद के तहत शामिल हुए थे। उनका मकसद फकत उस तंजीम की अंदरूनी मालूमात को हासिल करना था। मगर अब आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं रहेगी पाशा। तंजीम को एक खास नुक्ते पर लाने के बाद फौज और सियासतदान आपका भरपूर साथ देते रहेंगे पाशा। तो फिर मैं आपके नामजद किए हुए लोगों के साथ सफर पर रवाना होता हूँ। लेकिन पहले आपको एक काम करना होगा पाशा। कैसा काम? हमें महमूद जलालुद्दीन पाशा को बचाना है। सिर्फ इसलिए कि महमूद जलालुद्दीन पाशा हमारी जैसी सोच रखते हैं? मेरा ख्याल है कि उन्हें बचाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। पाशा, अगर कुछ हुआ तो हम अपने रास्ते पर गामजन होने से पहले ही भटक जाएंगे। उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। ये सारा मंसूबा उन्होंने तश्कील दिया है, ये उनकी हिकमत अमली है। वैसे भी मेसन तंजीम को अपने हदफ के लिए इस्तेमाल करने की खातिर हमारा उन्हें बचाना जरूरी है। ठीक है, महमूद पाशा को बचाने की ताकत है आपके पास? नहीं। तो फिर कैसे होगा ये काम? अभी हमने बस दो मराहिल पर मबनी मंसूबा बनाया है, आगे हम देखेंगे कि इसका क्या नतीजा सामने आता है। वैसे भी महमूद पाशा को बचाना इसीलिए अहम है ताकि सुल्तान को हमारी धमकियों की संजीदगी का अंदाजा हो जाए। अगर उन लोगों को अपनी जान प्यारी होगी तो वो आपके सवालात के जवाब दे देंगे कमांडर। पहला सवाल, बारूद पाया है तख्त कैसे आया? बंदरगाह से। तुमने उसे कैसे हासिल किया? दवाखाने से। उसी इलाके में एक दवाखाना है, और बारूद को उस दवाखाने में आने वाली दवाओं के साथ लाया गया। दूसरा सवाल, इस सब के पीछे आखिर कौन है? किसने तुम्हें यह काम दिया?
जो चुप रहेगा मैं उसका गला काट दूंगा और झूठ बोलने वाले की जबान खींच लूंगा ताकि वो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। अब बोलो जल्दी। हम नहीं जानते अशरफ अजीज, बस वो हमें काम बताकर चले गए थे। अब मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, फिर तुम्हें आसानी से याद आ जाएगा कि तुम्हें काम सौंपने वाला आखिर कौन था। हम वाकई नहीं जानते अशरफ अजीज, हमें सिर्फ हुक्म मिला था, हम किसी को भी नहीं पहचानते। तीसरा सवाल, बारूद कहां और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना था? तुम लोग किसी के कत्ल की तैयारी कर रहे थे, शायद ऐसा ही है, लेकिन हदफ कौन था बताओ मुझे। हम ये भी नहीं जानते, हमें सिर्फ दवा खाने के बारे में बताया था, हमें सिर्फ उस दवा खाने से बारूद उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल करना था। चलो ठीक है, लेकिन अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम लोग इसके अलावा भी कोई बात जानते थे तो इस बात को याद रखना, तुम दोनों भाई उसी बारूद का शिकार बन जाओगे जो तुम यहां पाया तख्त लाए थे। अब मुझे शराफत से उस दवाखाने के बारे में बताओ कि कहां है वो। जिसका हमें डर था और जिसकी हम तवक्को कर रहे थे शायद वही होने वाला है। हमें इन इकदामात की रोकथाम के लिए कोई तदबीर करनी होगी और इसीलिए हमने रजा पाशा और ताहिर पाशा को इस मामले की तहकीकात करने का फर्ज सौंपा है। लेकिन हम आपको भी एक फर्ज सौंपना चाहते हैं। कभी इम्कान है कि महमूद जलालुद्दीन को मेसन बचाने की कोशिश करेंगे, यानी हो सकता है कि फौज में भी मेसन के कुछ कारिंदे मौजूद हों, हमें उन्हें फौरन रोकना होगा। आपका क्या हुक्म है सुल्ताने मौसम? महमूद जलालुद्दीन और मिहाइल को सजाए मौत सुनाने का फैसला किया है हमने। क्या सुल्ताने मौसम, जो मैंने सुना वो सच है? बिल्कुल ये सच है पाशा, उन दोनों को ही सजाए मौत सुनाई जाएगी। इस्तांबुल की तमाम फौजी छावनियों में टेलीग्राम भेजकर हुक्म से आगाह कर दीजिए, रजा पाशा की कमान में सिपाही दस्ता उन पर गोली चलाएगा। सुल्ताने मौसम, क्या वाकई हम उन्हें मार देंगे? हमारे हुक्म पर फौरी अमल दरामद किया जाए। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। आपने जो मंसूबा हमें बताया उस पर अमल करने का एक ही तरीका है, और वो है वजीर दिफा रजा पाशा के पास मौजूद खुफिया आदात हासिल करना। ये नामुमकिन है पाशा, वो खुफिया आदात वाली किताब रियासत के लिए खजाना है। यहां तक कि सुल्तान या सिपाह सालार अगर पहले दर्जे की फौज को कोई खुफिया पैगाम भेजना चाहते हैं तब वो किताब सामने लाई जाती है। जिस वर्क पर वो आदात होते हैं, आदात पढ़ने के बाद उस वर्क को फाड़ दिया जाता है, यानी वो किताब बहुत हसास सूरत हाल में सामने लाई जाती है, और उस वक्त भी बहुत मोहतात तरीके से। हमें मालूम है अहमद पाशा, फौज को मुतहरिक करने के लिए हमें वो किताब लाजमन हासिल करनी होगी अहमद पाशा। तो फिर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि फौज को टेलीग्राम भेजने की जरूरत पेश आए। बिल्कुल, यमन में कुछ कबाइल कसल के हामी हैं, अगर वो कबाइल बगावत पे आमादा हो जाए तो फिर टेलीग्राम भेजने के लिए वो किताब सामने लाई जाएगी। इस तरह हम बआसानी उस किताब को हासिल कर पाएंगे, बाकी बात भी देखेंगे, और ये काम आपको करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं कसल को यमनी कबाइल को मुश्तैल करने के लिए कायल करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। थकन हो रही है, अगर चाहे तो कुछ देर आराम कर लें। आप जा सकते हैं जिया पाशा, लेकिन हम हसन पाशा के साथ मिलकर तलत और रफीक का इंतजार करेंगे, उम्मीद है कि वो ताखीर नहीं करेंगे। मैंने आदमियों को भेजा है कमांडर, वो जल्दी उन्हें यहाँ ले आएंगे, और मैं अहमद पाशा की हिफाजत के लिए इनके साथ ही रहूंगा।
तुमने पूछा नहीं उस्मान? क्या कमांडर? कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां जाएंगे? मैं शर्मिंदगी के बाइस बात नहीं कर पा रहा कमांडर, क्योंकि मेरी वजह से इसहाक फरार होने में कामयाब हो गया। इतने दिनों से मुझे भी बेवकूफ बना के रखा उसने, और थोड़ी ही देर में तुम्हें भी आसानी से बेवकूफ बनाकर चला गया। परेशान मत हो, इसमें गलती हमारी भी है। हमने तुम्हें बताया ही नहीं कि वो गद्दार है। तो फिर मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कमांडर, कि अब हमें क्या करना होगा? हमें दो चीजों पर तहकीक करनी है उस्मान। पहली चीज दवा खाना, कि वो किसका है और कहाँ है। हम उसके अमले से सवालात करेंगे, शायद वहां से मित्रास या साक के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। और दूसरी? हमें ये मालूम करना है कि वो बारूद जिसे वो लोग रास्ते में बिछा रहे थे, उस रास्ते को कौन कौन इस्तेमाल करता है, कौन कौन आता जाता है, सब मालूम करना है हमें। आखिर पता तो चले कि वो बदजात किसे कत्ल करना चाहते थे। तुम दो लड़कों को अपने साथ ले जाओ और लोगों से पूछगछ करो। मैं और नादिर साहब उस दवाखाने जा रहे हैं, तुम भी उधर आ जाना। जैसा आप कहें। टेलीग्राम भेजना है। जो हुकुम शहजादे। ये टेलीग्राम इस्तांबुल की तमाम छावनियों तक पहुंचना चाहिए। कहिए शहजादे, मैं लिख रहा हूं। शहजादा अहमद नूरी की तरफ से सुल्तान मौजम के हुक्म पर मिहाइल और महमूद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। अब सुल्तान मौजम का हुक्म है कि उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। जो सिपाही इस इकदाम में रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं, वो यहां पहुंच जाए। हमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है शहजादे। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हमें सब्र करना चाहिए। सब्र का फल यकीनन मीठा होता है। हमें बस ऐसन तरीके से सुल्तान मौसम के हुक्म को बजा लाना है। आप ठीक कह रहे हैं शहजादे। हाँ तो उमर, तुम फिर एक जिया पाशा के बेटे हो ना, कि तुम्हें भी उनकी तरह जाबाज सिपाही बनना है? मैं बस रियासत की खिदमत करना चाहता हूँ, चाहे मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे वालिद कहाँ है? उन्होंने अपनी अलालत की वजह से छुट्टी ली है। क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है? बाबा की तबीयत को तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी देर पहले ही जरूरी काम से बाहर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर पाशा, रजा पाशा। हमें तुम्हारे वालिद से कुछ बात करनी है, तुम अंदर चले जाओ। फेरिक सानी, जिया पाशा, आपने अपनी अलालत के बायस छुट्टी ले रखी है, मगर मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, और आपके बेटे ने भी यही बताया। आप खुद बताइए पाशा, आखिर आप सेलानिक से इस्तांबुल अचानक क्यों चले आए? ऐसा क्या हो गया कि आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ी? इसलिए पाशा,
क्या आप फौज से इस्तीफा दे रहे हैं? मैंने गुजरगाह के बारे में मालूम किया है, वहां से वजीर आजम पाशा गुजरते हैं। यानी वो लोग वजीर आजम पाशा को कत्ल करना चाहते थे, उनका मंसूबा बहुत बड़ा है। आपको कुछ मालूम हुआ? सबका कहना है कि दवाखाने का मालिक एक नेक शख्स है, देखते हैं कि वो कितना नेक है। दवाखाने में भी कोई गाहक नहीं है। चलो हम चलते हैं अंदर। आइए। क्या हो रहा है, कौन है आप? मैं लुकमान हकीम हूं, मेरे पास हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है। ये आप क्या कह रहे हैं, कैसी बीमारी? गद्दारी, गद्दारी का इलाज। इस बीमारी का इलाज करता हूं मैं। अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो बारूद कहां से आया था और किसने भेजा था इस दवाखाने में, तो मैं तुम्हें तमाम दवाइयां पिलाकर जहन्नुम में भेज दूंगा। शराफत से बताओ। कैसा बारूद जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया, जरा संभल के। कैसा शख्स है? मुझसे गलती हो गई, उन्होंने मुझे रिश्वत दी थी। अगर उनका नाम नहीं बताया तो अगली गलती का मौका नहीं मिलेगा। इंसान हर गलती के बाद यही सोचता है कि काश मैं ऐसा नहीं करता, यही बात है ना? मीका ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मीका? मित्रा सौर, नेरवा का इस काम से क्या ताल्लुक है जानते हो क्या? ये मैं नहीं जानता, नहीं मालूम मुझे। ये बताओ, इसहाक को जानते हो तुम? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ मीका को जानता हूँ। क्या दवाखाने से किसी ने तुम्हारी मदद की? नहीं, वो लोग जानते थे कि मैं दवाखाने में काम करता हूँ। ये मीका आखिर है कौन? तशनक गिरोह का सरबरा। तशनक, गोदाम, मुहाफिज खाना, उन सब जगहों पर तशनक का परचम था कमांडर। क्या तुम उन लोगों के ठिकाने के बारे में जानते हो? हाय हाय महमूद, हाय हाय मेरा बदनसीब भाई। मुझे यकीन है कि उसे इस काम में किसी ने फंसाया है, यकीनन इल्जाम लगाया जा रहा है उस पर। आप बेफिक्र हो जाइए सबूहा साहिबा, अगर ऐसा ही हुआ तो फिर हकीकत जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी। आप फिर भी सुल्तान मुअज्जम से बात करके देखे ना, महमूद बेकसूर है, आप उन्हें बताएं। हम सुल्तान मुअज्जम के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, ऐसा करना हमें बिल्कुल जेब नहीं देता। इंशाल्लाह महमूद इल्जाम से बरी हो जाएगा, नाइमे और कानी एक हो जाएंगे उसके बाद। हम समझे नहीं, कानी का नाइमे से क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या आप नहीं जानते? क्या नहीं जानते हम उनके रिश्ते के बारे में? नाइमे और कानी एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हम और कानी, क्या आपने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं? माजरत चाहती हूँ शहजादी, क्या आपको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है? मालूम होता तो आपसे क्यों पूछते। यमन में बगावत शुरू हो गई है। ये कैसे हो सकता है? मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हम पाशा हजरात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखो, यह आखिरी मौका है। मैं कहता हूं मेसन अराकीन के नाम बताओ, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी।
फौरन हुक्म जारी करना होगा हमें। आदाद मिल गया आपको। वा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।